शिवपुरी जिले के खनिया थाना तहसील के सिलपुरा गांव में हुकुमपुर रोड पर खेत में अजगर ने एक नीलगाय के बछड़े को निगल लिया था। विशालकाय अजगर को देखकर क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त था। वही सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम और बाहर से आई वॉइस कॉल फॉर फाउंडेशन की टीम, जिसमें गुना और इंदौर की टीमों ने संयुक्त रूप से मिलकर अजगर का रेस्क्यू किया। बता दें कि अजगर झाड़ियों में छुपकर बैठा हुआ था, जिसको रेस्क्यू टीम ने बड़ी ही मशक्कत के बाद झाड़ियों से बाहर निकाला, जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 फीट होगी। बाहर निकलते ही अजगर ने नीलगाय के बछड़े को कुछ समय बाद ही बाहर उगल दिया। जी हां, उसके कुछ देर बाद सभी रेस्क्यू टीम ने अजगर को उक्त स्थान से ले जाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। अजगर का रेस्क्यू किया है, काफी मशक्कत करनी पड़ी। आपको किस प्रकार की फोन कॉल आई थी और कितने समय बाद आप पहुंचे यहां पर? मुझे सब रेंज खनिया थाना प्रभारी श्री रविशंकर जी पटेरिया उपवन क्षेत्रपाल का फोन आया था और उनके द्वारा व्हाट्सएप पे एक वीडियो के थ्रू मुझे जानकारी लगी है कि सिलपुरा गांव के हुकुमपुर में यहाँ एक खेत पर एक पाइथन ने नीलगाय के बच्चे को या किसी जानवर को निगल लिया है। तो उसका रेस्क्यू करने हमारा स्टाफ, पूरा खनिया थाना स्टाफ आया है। लगभग कितनी इसकी लंबाई हुई है? इसकी 7 से 8 फीट के अंतराल में इसकी लगभग लंबाई होगी इस पाइथन की। और इसमें और भी टीम शामिल हुई है, बाहर से कोई टीम आई है? ये यहाँ गांव के कुछ लोगों के द्वारा वॉइस कॉल फॉर फाउंडेशन है, एक जो वाइल्ड लाइफ का रेस्क्यू करते हैं, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एरिया में जो भी जीव जंतु होते हैं, विशेष तौर से वो स्नेक का रेस्क्यू करते हैं, तो उनके द्वारा ये रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी आपकी टीम ने और जो बाहर से टीम आई है, दोनों ने मिलकर मशक्कत के बाद इस अजगर को बाहर निकाला। अब आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है? ये जो अभी पाइथन, ये अजगर जो सांप है, इसने क्या है, अभी जो निगला हुआ है जो भी जीव जंतु को इसने निगला है, अभी उसके बाहर दोबारा निकालने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद इसको फॉरेस्ट एरिया में रिलीज कर देंगे। किस प्रकार की प्रजाति है जी अजगरों में? ये विशेष तौर से पाइथन जो है जहरीला तो नहीं है सांप, लेकिन ये क्या है, किसी भी चीज़ जीव जंतु को ये निगल लेता है।